हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल। एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपने शरीर से आने वाले पसीने की बदबू से परेशान रहते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ लोग अच्छी साफ़ सफाई के बावजूद और कुछ लोगों को बहुत ही कम पसीना आता है, लेकिन उसके बावजूद उनके पसीने की स्मेल जो होती है वो बहुत ही गंदी वाली होती है, जिस वजह से वे दूसरे लोगों के साथ उठने बैठने में खुद को असहज महसूस करते हैं और दूसरे लोग भी उनसे दूर भागते हैं, जिसके कारण उनका आत्मविश्वास का स्तर काफ़ी घट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके शरीर से अच्छी खुशबू आती रहती है तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पसीने की बदबू की समस्या को तो भूल ही जाइए, क्योंकि आज मैं एक ऐसा बेहतरीन फॉर्मूला लेके आई हूँ जिसे आप बहुत ही कम खर्चे में आराम से घर पे ही तैयार कर सकते हैं और बिना किसी झंझट के। मेरे चैनल पे नए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ये चीज़ देखी है कहीं आपने? कलर्स विद कोमल के सब्सक्राइबर हैं तो इस चीज़ से वाकिफ ही होंगे। फिटकरी पे मैंने कई वीडियो बनाई है जिसे आप सबने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस छोटी सी टिकिया के गजब के फ़ायदे हैं। इसे कहते हैं फिटकरी। किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी 10 या 15 रुपए में। आपको करना क्या है, जब आप नहाने जाते हैं तो इस फिटकरी को गीला करके इसका इस्तेमाल साबुन की तरह कीजिए। जैसे आप साबुन लगाते हो ना, इस फिटकरी को साबुन की तरह अपने बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फिटकरी में एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। ये इतना अधिक असर करता है कि आप पहले दिन से ही महसूस करने लगेंगे कि आपके पसीने की बदबू काफ़ी कंट्रोल में आ गई है। दूसरा तरीका है फिटकरी की स्टिकिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसका बारीक पाउडर बना लें। इसके बाद इस पाउडर को आप किसी कंटेनर में स्टोर करके रख लें। बस हो गया आपका काम। अब जब आप नहाने जाते हैं ना, एक चम्मच फिटकरी का पाउडर लीजिए और नहाने के पानी में डाल दीजिए। बस हो गया। अब इस पानी से आप नहा लीजिए, आपके पसीने की बदबू की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है, हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी बॉडी से गंदी वाली स्मेल आ रही है पसीने की, और हम वहाँ पे नहा नहीं सकते हैं। तो वैसी सिचुएशन में मेरा ये तीसरा तरीका आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा सकता है। फिटकरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, फिर एक तवा लें। तवा जिस पे आप रोटी बनाते हो, तवा को गर्म करें और उस पे फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा डालें। अब जैसे ही वो गर्म होगा, आप देखोगे कि उसमें उबाल आना शुरू हो गया है और उबलते उबलते वो पानी की तरह फैल जाएगा, और फिर धीरे धीरे उसमें जो उबलाव आया था ना, वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस स्टेज पे आपको गैस को बंद कर देना है। इसको कहते हैं फिटकरी को खील करना। अब जब तवा ठंडा हो जाए तो फिटकरी को बारीक पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लेना है और इसे किसी कंटेनर में भर के रख लेना है। अब जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पे आप नहा नहीं सकते हैं और आपके शरीर से पसीने की दुर्गंध आ रही हो, तब इस फिटकरी के पाउडर को बिल्कुल पाउडर की तरह अपने शरीर पे लगा लेना है। जहाँ भी आपको स्मेल आ रही हो वहाँ पे आप बिल्कुल पाउडर की तरह इसे लगा लें। इसको आप जैसे ही लगाएंगे, आप देखेंगे कि बिल्कुल उसी समय से आपके पसीने की बदबू रुक जाएगी और आप पूरे आत्मविश्वास से अपने काम को अंजाम दे सकेंगे। अब सोच क्या रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।